देहरादून शहर अब विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, मतलब महानगरों की तरह यहाँ भी कई तरह के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किए गए हैं, उसमें बड़े बड़े मॉल्स भी शामिल हैं। कभी देहरादून शहर में खरीदारी के लिए एकमात्र पल्टन बाजार हुआ करता था, जहाँ से लोग अपनी जरूरत का सामान से लेकर कपड़े आदि खरीदा करते थे। लेकिन आज देहरादून में पैसिफिक मॉल, सेंट्रियो मॉल आदि कई बड़े मॉल बन गए हैं, और इसी के साथ ही लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन शॉपिंग का रास्ता भी लोगों ने अपना लिया है। मॉल कल्चर और ऑनलाइन शॉपिंग के ट्रेंड के बीच देहरादून के परंपरागत बाजार पर क्या असर पड़ा है, देखिए ये रिपोर्ट। देहरादून का पल्टन बाजार अंग्रेजी शासन काल के दौरान से ही चलता आया है, यानी यहाँ से अंग्रेजों के बटालियन निकला करती थी और अंग्रेजी सैनिक से लेकर देहरादून के लोग भी यहाँ खरीदारी करते थे। यानी देहरादून के लोगों के लिए एकमात्र पल्टन बाजार ही ऐसा बाजार था जहाँ पर सभी चीज़ें उपलब्ध थी। लेकिन धीरे धीरे अब जिस तरह से देहरादून में मॉल्स बनाए जा रहे हैं, वहीं नए ज़माने में ऑनलाइन शॉपिंग का रास्ता भी लोग अपना रहे हैं। लेकिन देहरादून की अगर बात करें तो देहरादून के पल्टन बाज़ार पर थोड़ा बहुत तो असर पड़ा है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं पड़ा है। यानी लोग आज भी पल्टन बाज़ार में ही शॉपिंग करना पसंद करते हैं। तो लोगों की अलग अलग थिंकिंग है, मतलब कि कोई ऑनलाइन मंगाते हैं तो कोई खुद ही, कोई लोग ऐसे घूमने आ जाते हैं घूमने के बहाने मार्केट, लोग जाते हैं जिनको जैसे घूमना पसंद हो, या ऐसे लोग ऐसे फोटोज वगैरह डालते हैं ना खींच के कि आज हम ऐसे मॉल गए थे, स्नैपचैट वगैरह, तो बस ऐसी मॉल तो लोग बस एकदम कुछ कोई कोई घूमने भी जाते हैं। और पैसिफिक है तो वो तो देहरादून का मतलब फेमस ही है, तो सब लोग इसलिए भी जाते हैं। ज़्यादातर तो मोस्टली ये पल्टन से ही सब लोग करते हैं, ऑनलाइन में लोग ज़्यादा नहीं करते हैं मेरे को तो ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ जैसा चाहिए वैसा मिल भी जाता है, सही रेट पे भी मिल जाता है। ऑनलाइन में काफ़ी वेट मतलब रुकना पड़ता है, कभी नहीं भी आता सही, लोगों को ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं उसमें ऑनलाइन के। उसमें एक मॉल तो लोग बस ऐसे ही घूमने के लिए या ऐसे ही जाते हैं, मतलब ऐसे शॉपिंग तो बेसिकली देहरादून पल्टन से ही करते हैं। ऑनलाइन मार्केट और मॉल्स के चलते थोड़ा तो असर पड़ा है पल्टन बाज़ार पर, लेकिन आज भी पल्टन बाज़ार से ही खरीदना देहरादून के लोगों की पहली पसंद है। हाँ असर तो पड़ा है बाज़ारों में, तो असर पड़ा ही है, सब लोग ऑनलाइन मंगाते ही हैं ज़्यादातर, बहुत ज़्यादा हम ही लोग भी देख लो तो जब जिसे देखो ऑनलाइन ये ऑनलाइन तो इतने का है, क्वालिटी का अलग अंतर आता है, क्वालिटी थर्ड क्वालिटी देते हैं सामान की, वो असर तो बहुत पड़ा है। यही है कि वो जिसको देखो ऑनलाइन सस्ता है ये है वो है, लेकिन क्वालिटी नहीं देखता ना कोई भी, वहाँ थर्ड क्वालिटी मिल रही है अगर एक नंबर क्वालिटी मिल रही है, बस इतना ही फ़र्क है और कुछ नहीं। लेते तो सभी यहाँ से भी, जिनको लेना है मार्केट से वो मार्केट से, ऑनलाइन मंगाते वो मार्केट से लेंगे। देहरादून से न्यूज़ 18 लोकल के लिए हिना आज़मी की रिपोर्ट।